हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजपूतों में डाबरिया से क्या तात्पर्य है, यानी डाबरिया है वो राजपूतों में, इससे क्या संबंध निकलता है डाबरिया से। तो डाबरिया का जो कन्या विवाह में जो कन्या के साथ दहेज में दिए जाने वाली जो दासियाँ होती हैं वह डाबरियाँ कहलाती हैं। राजपूतों में ये एक प्रथा थी कि कन्या जब कन्या का जब विवाह किया जाता तो कन्या के साथ में कुछ दास दासियां जाते थे, तो उन्हें डाबरिया कहते थे। चार नंबर ऑप्शन है वो इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है, सिरावण किसे कहते हैं, सिरावण है वो किसे कहते हैं, तो कृषकों का जो सुबह का जो भोजन होता है, किसानों का जो सुबह का भोजन है वह क्या है, सिरावण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वैश्य संस्कार जो बालक को विदारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, तो जो विदा शुरू की जाती है वह ऐसा संस्कार कौन सा है जिसमें जो शिक्षा है उसको शुरू किया जाता है, तो गुरु के पास में ले जाया जाता है, तो कौन सा संस्कार किया जाता है, तो वो है यज्ञोपवीत। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही है, यज्ञोपवीत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्युभोज को कहते हैं, मृत्युभोज को मोस्टर कहते हैं, एक नंबर है सही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध घोषित किया था, तो 1833 के अंदर राजस्थान के अंदर कोटा जो राज्य था उसने कन्या वध को रोका था, कोटा ने 1833 में। अगला क्वेश्चन है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है, तो डाकण प्रथा है वो मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है, तो भील और मीणा जो जाति है उसमें डाकण प्रथा पाई जाती है, दो नंबर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, विवाह किसमें वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बरी कहते हैं। जो विवाह के टाइम वधु के लिए जो वर पक्ष की तरफ से यानी लड़कों वालों की तरफ से कपड़े आभूषण ले जाते हैं तो वो बरी होती है, ठीक है। तो विनोटा भी बोलते हैं, विनोटा भी ले जाते हैं, बरी भी ले जाते हैं, तो बरी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह लेती हैं, तो नाता बोलते हैं, नाता के नाता उसे कहते हैं, पति को छोड़कर के पत्नी है वो किसी दूसरे के साथ में रहती हैं तो वह नाता होता है, एक नंबर सही है। अगला है, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है, तो एक कांकर डोरडा, दो नंबर पहरावणी और तीन नंबर बरी पड़ला, तो ये तीनों ही क्या है, विवाह से संबंधित है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में है, तो राजपूतों के अंदर सती होती थी, ठीक है। जब राजा है वो युद्ध में मारा जाता था तो रानी है वो सती हो जाती थी, दो नंबर है राजपूत। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी या नाट्यविदा की राजस्थान की प्रथम महिला कलाकार जिनका जन्म हिंडौन सिटी में हुआ था, तो जो मुस्तर भाई है ना उनका जन्म हिंडौन सिटी में हुआ था, वो नौटंकी नाटकविदा की एक महत्वपूर्ण महिला है, एक कलाकार है जिनका जन्म हिंडौन सिटी में हुआ था, मुस्तर भाई का। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की मशहूर हूर नर्तकी जो तमाशा नाटकों में स्त्री पात्रों का अभिनय किया करती थी, तो वो थी गोहर जान। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाली प्रसिद्ध नृत्यंगा कौन है, तो गुलाबो है ना वो कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, गुलाबो ने, एक नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा के नाम से मशहूर है, राजस्थान में कृषि भक्ति की रसधारा प्रवाहित करने वाली भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कौन है, तो वो है मीराबाई, चार नंबर सही है मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की महिला एथलीट जिन्होंने डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मेडल जीते हैं, तो कृष्णा पूनिया, ये पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उषा रानी हुजा है वो एक राजस्थान की प्रसिद्ध मूर्तिकार है, राजस्थान की प्रसिद्ध मूर्तिकार है उषा रानी हुजा। अगला है, राजस्थान की पहली प्रोफेशनल महिला गोल्फर कौन है, तो वो है नीतिका जडेजा, वो राजस्थान की पहली प्रोफेशनल महिला गोल्फर है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वेश की सनसनी के नाम से प्रसिद्ध राज्य की वह स्क्वेश खिलाड़ी जिन्होंने बारहवीं सेफ खेलों में स्क्वेश की टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है, तो वह है सुरभि मिश्रा। अगला है, उदयपुर की महिला भारोत्तोलक जिन्होंने दिसंबर 2007 में क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में राष्ट्रमंडल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपने वर्ग में 4 स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम ऊंचा किया था, तो वो थी माला सुखवाल, 2007 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम विनोद की रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, छत्र कुमारी है वो प्रेम विनोद की रचयिता है। अगला है, राजस्थान की राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांता खतूरिया है वो राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी रिम्मा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई थी, तो वो थी तैराकी में। अगला क्वेश्चन है, सन 1929 में मास्को रूस में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाली जोधपुर की मांड गायिका कौन थी, गौरीबाई।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग मुख्य न्यायाधीश पर रह चुके श्री नरेंद्र सिंह किस जिले के निवासी हैं? तो नरेंद्र सिंह डूंगरपुर जिले के निवासी थे। मध्यकाल में राजस्थान की पहली महिला महंत कौन थी? तो वो थी सहजोबाई। प्रसिद्ध महिला लोक संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो दयाबाई चरणदास की शिष्या थी। दो नंबर ऑप्शन का सही है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर की वीर बालिका जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरकारी सिपाहियों से अपने अध्यापक को मुक्त कराने हेतु अपनी जान न्योछावर कर इतिहास में अमर हो गई थी, वो थी कालीबाई। कालीबाई हैं वो, अपनी टीचर को बचाने के लिए शहीद हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार जो अपने सांसद एवं विधायक रह चुकी है, जिन्हें 1984 में पद्म श्री से सम्मानित किया है, तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। बीजी के नाम से प्रसिद्ध थे, बीजी के नाम से प्रसिद्ध है विजयदान देथा। चार नंबर ऑप्शन सही होगा, विजयदान देथा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध राजस्थानी महिला साहित्यकार की प्रमुख कृति के रे चकवावात है? तो वह है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। अगला क्वेश्चन है, हिरणा मोन साद वन चारणा किसकी रचना है? तो ये चंद्र प्रकाश देवल की है। अगला क्वेश्चन है, हिरणा मोन साद वन चारण की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये राजस्थानी भाषा में है। तो आज के क्वेश्चन के मैंने सीधे आंसर ही बताया आपको। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बता देना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी चैनल पर आपको 12वीं लेवल के पशु परिचर के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।